हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग पहुँच गए ना? हाँ तो ठीक है, मैं कल पहुँच जाऊँगी। फाइन, सी यू देन। हाय फ्रेंड्स, मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। पर उस कहानी से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, 27 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग राइटर, डायरेक्टर और कैमरा, मतलब फुल टीम हमारे पास है, फुल क्रू हमारे पास है और बहुत टैलेंटेड और बहुत एक्सपीरियंस्ड क्रू हमारे पास है। अगर कभी भी फ्रेंड्स आप लोगों के दिल में आता है कि आप कुछ बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं या कोई एड फिल्म बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हम लोगों के पास है, नीचे आपका मेरा नंबर, मेरा ईमेल सब आ रहा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए और फिर मिलेंगे आप लोगों से। अभी तो मैं कैमरा के थ्रू मिलती हूँ, फिर आपसे पर्सनली मिलूँगी। ओके, तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करें एक नई कहानी। आज की कहानी कुछ अलग हट गया है। कहानी तो दोस्ती के ऊपर है, पर यह पता लगना चाहिए आपको कि दोस्त कैसे होते हैं। तो तीन दोस्त थे, एक भालू, एक बगला और एक भेड़िया। तीनों जंगल में घूमते फिरते, खाते पीते और अपना मतलब जो भेड़िया था ना, वो बहुत चलाक था। उसकी नज़र ना हमेशा गलत रहती थी, मतलब अपने दोस्तों के चीज़ों के ऊपर भी उसकी नज़र गलत रहती थी। तो अब क्या हुआ, जो बगला था ना, उसके बच्चे हुए, बच्चे निकलने लगे। अब ये इतना बदमाश कि इसकी नज़र उसके बगले के बच्चों के ऊपर थी। तो इसने एक दिन ऐसे कहा, सब लोग बैठे हुए थे आपस में तीनों, तो इसने एक दिन कहा कि भाई बगला भाई, ऐसे करते हैं कि तुम मेरे घर ना खाने पर आओ और मैं तुम्हें ना खाना दूंगा। तो उसने कहा हाँ भाई, ये तूने बड़ी अच्छी बात कर दी कि मैं तेरे घर खाने पर आता हूँ, पर तू खिचड़ी बनाई हो, तेरी खिचड़ी बड़ी मशहूर है, क्योंकि मैंने सुना है जो भी तेरे घर आता तो उसको ना खिचड़ी देता है। क्या तू खिचड़ी बनाता है, उसके अंदर हर चीज़ डालता है, मसाले डालता है, शहद डालता है, ये डालता है। वो कहता है हाँ हाँ, चिंता मत कर, तू आ मेरे घर में, तेरे को खाना देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो कल मैं तेरे घर आऊँगा। दूसरे दिन उसने बगले ने कहा भालू को कि चल भाई चले, उसने हमें भेड़िया भाई ने आज तो लंच में बुलाया। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तू जा और तू जाके खाना खा उसकी। उसने कहा भाई खिचड़ी है, बहुत मज़ा आएगा खाने में, चल तो सही। वो कहता ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा जब मेरे पेट का दर्द थोड़ा ठीक होगा, तू जा। अब ये बगले ने क्या किया, ये अपना पहुँच गया, भेड़िए ने उसका बड़े ज़बरदस्त स्वागत किया, बड़ी बातचीत हुई, दोस्ती की बातें हुई, इधर उधर की हुई। तो बगले ने कहा देख भाई, तू ऐसे कर, मुझे तो लगी है भूख और मुझे दे दे तू खाना और खिचड़ी दे दे, मेरे तो राल टपक रही है एक तरीके से। उसने कहा ठीक है, और उसने थाली लेकर आया, दो थालियाँ, एक अपने लिए एक बगले के लिए, और थाली में उसको खिचड़ी डाल दी और अपने लिए भी खिचड़ी डाल दी। तो बगले ने उसको देखा और वो लवालब खिचड़ी खा रहा था। उसने कहा भाई तेरे को पता है कि मेरी चोंच कितनी लंबी है और मैं ये थाली में थोड़ी ना खाना खा सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था कि तू, तेरी चोंच लंबी है और तू थाली में खाना नहीं खा सकता। अच्छा चल, मैं ठीक है कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ तेरे लिए। उसने कहा ठीक है, बंदोबस्त करके आ। तो वो थोड़ी देर में गया, कहता मेरे को खिचड़ी का बगला देखने लगा, कहता अरे ये जल्दी आ जाए तो ये मैं खिचड़ी लबा लब खा जाऊँ, सारी खुशबू क्या ज़बरदस्त आ रही है। अब बगला तो क्या कहते हैं, बगला उसका इंतज़ार कर रहा था, भेड़िया इतनी देर में आया, उसके साथ भालू भी आया। तो बगला भालू को देख के बड़ा हैरान भी हुआ, बड़ा खुश भी हुआ, कहता भालू भाई तेरे तो पेट में दर्द था। वो कहता नहीं अब ठीक हो गया है, मैं ये मुझे रास्ते में मिल गया
अब ठीक हो गया। उसने कहा अच्छा, तो बगले ने कहा कि हाँ भाई तू मेरे लिए लेकर आया कुछ? कहता नहीं 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 कुछ नहीं मिला, तू इसमें खा सकता तो खा ले, नहीं तो मैं तो बाकी मेरे को कुछ नहीं मिला। उसने भालू को कहा भाई तेरे को भी दूँ? भालू ने तो लवा लव अपने हाथ से खिचड़ी खा ली। तो बगले ने कहा कि भालू भाई तू भी खिचड़ी खा रहा है, ये भी खिचड़ी खा। तो भालू कहने लगा देख एक बार सुन, मैं तू थोड़ी सी अपनी चोंच खोल, मैं तेरे को अपने हाथ से खिचड़ी तेरी चोंच में डाल देता हूँ, और क्या कहते हैं तू खिचड़ी का टेस्ट तो कर सकता, अगर तेरा पेट ना भी भरे तो पर तू टेस्ट तो कर सकता। उसने कहा हाँ ये तो ठीक है। तो भालू ने ना ऐसे करके हाथ भरा और उसने बगुले ने अपनी चोंच खोली और उसने ऐसे करके उसमें चोंच में खिचड़ी डाल दी। आहा, बगले को तो बड़ा मस्त लगा। बगला कहने लगा ये तो बड़ा मस्त है। तो अब क्या हुआ, बगले को ना बहुत गुस्सा आया। वो दिल ही दिल में उसने सोचा कि ये जो भेड़िया है ना अपना कपटीपन कभी नहीं छोड़ेगा, जो इसका कमीनापन है ना, जो ये चलाकियाँ है ना, ये कभी नहीं छोड़ेगा। इसको पता है कि मैं थाली में खाना नहीं खा सकता, फिर भी इसने मुझे थाली में खाना दिया, पर क्यों इसने ऐसा किया ये मेरी समझ से बाहर है। उसने कहा ओके कोई बात नहीं। तो उसने कहा भेड़िए को, अब भेड़िया जो था ना वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। तो उसने कहा कि ऐसा कर तू कल मेरे घर खाने पर आ। भेड़िया खुश, भेड़िया कहने लगा कि अच्छा कल तू देगा मेरे को लंच? उसने कहा हाँ मैं तेरे को लंच देता हूँ, तू मेरे घर खाने पर आ। तो भालू कहने लगा कि भाई मेरे को भी बुला ले। तो उसने कहा तेरे को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो हम तीनों जने इतने दोस्त हैं तो तू भी खाने पर आएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि भेड़िया कहने लगा तू क्या बनाएगा? तो बगला बोला मछली बनाऊंगा, और भालू भी बोला और क्या हम दोनों मछली पकड़ेंगे। और तेरी मछली कहता नहीं 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 रहने दे यार, मछली तो हमेशा ही खिलाता रहता है मेरे को, मैं मछली नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा बता क्या बना? कहता तू ऐसे कर खरगोश बना, मसालेदार खरगोश। उसने कहा ठीक है मसालेदार खरगोश ही बनाऊंगा, तू आ जा। तो उसने कहा चलो भालू भाई चलते हैं। तो दिल ही दिल में तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसने भालू भाई को कहा भालू भाई क्या बात है, तू ना जब मैं तेरे को कह रहा था कि तू मेरे साथ चल तो तब तेरे पेट में दर्द हो रहा था, और बाद में तू भेड़िया के संग भड़मटकता हुआ आ गया। उसने कहा हाँ इसका भी कारण है। उसने कहा बता क्या कारण है? उसने कहा वो तेरे को छोड़कर यहाँ पे तेरे लिए बर्तन लेने गया। कहता हाँ ये बात तो है, वो मेरे लिए बर्तन लेने गया था, मुझे तो बहुत गुस्सा आया और मैं खाना का खिचड़ी देख के उसकी खुशबू सूंघ रहा था, दिल कर रहा था जल्दी जल्दी खा लूँ पर खा नहीं पाया। तो उसने कहा मैं तेरे लिए बर्तन ले, कहता वो बर्तन लेने नहीं गया था तेरे लिए, वो तेरे बच्चों के पास आया था ताकि तुझे यहाँ लगा बिठा के, और उसको पता था बच्चों की माँ बच्चों के लिए खाना लेने गई है, और वो तेरे बच्चों को खा जाता और उसके ऊपर नाम भी नहीं आता क्योंकि वो तो तेरे लिए बर्तन लेने गया, और उस वक्त वो तेरे लिए बर्तन भी लेकर आता, इसलिए मैं तेरे बच्चों की निगरानी कर रहा था और मैं वहीं बैठा था। कहता क्या बात करता है? कहता हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, जब ये आया तो मैंने इससे पूछा तो ये घबरा गया, ये कहने लगा नहीं 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 मैं तो वो बर्तन ढूंढ रहा हूँ ये वो करके। तो उसने कहा चल ठीक है मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। कहता इसलिए मैं इसके साथ आ गया यहाँ पे। कहता अच्छा ये बात है, इसकी नज़र मेरे बच्चों पर, मतलब इसका कमीनापन इसकी चलाकी इसकी कपटीपन कभी नहीं जाएगा, चाहे उससे कितनी अच्छी दोस्ती करें। तो भालू कहने लगा बगला भाई मैं तेरे को 10 बार कह चुका हूँ पर तू मानने वाला नहीं है। कहता नहीं मानने वाले की बात नहीं है, पर मैं ये सोचता हूँ कभी कभी दिल में कि नहीं यार ये हमारा दोस्त है, तो अगर दोस्त है अच्छा ही होगा ना, कपटीपन चाहे दुनिया से करे हमसे नहीं करेगा। उसने कहा नहीं, जो कमीना आदमी होता है वो कमीना ही रहता है, चाहे उसके संग तुम कुछ भी कर लो। उसने कहा ठीक है। दूसरा दिन आया ये, इसने अब बगुले ने क्या किया, इसने ना ईंट ली, ईंट को तोड़ा, और ईंट को तोड़ कर इसने एक वही लंबे से वैसल में वो ईंट डाल दिया और बहुत अच्छा मसाला बनाया, और उस ईंट के अंदर जो टुकड़े उसने किए थे उसने उसके अंदर डाल दिए। तो अब ये आ गया, भालू भी आ गया। भालू के लिए उसने ढेर सारा शहद रखा था, खीर बनाई थी, शहद रखा था,
और अपने लिए भी एक बर्तन रखा हुआ था लंबा सा, जिसके अंदर उसने मछली बनाई हुई थी। तो ये कहने लगा, हाँ भाई बड़ी खुशबू आ रही है, तूने तो खरगोश बनाया। उसने कहा, हाँ खरगोश बनाया। कहता पर लाओ, उसने रख दिया वो लंबा सा बर्तन उसके सामने और अपने सामने भी रख दिया, और उसके भालू के सामने थाली रख दी जिसमें खीर के संग बहुत सारा शहद था, क्योंकि भालू को ना शहद बहुत पसंद आता है। तो उसने कहा, बेटा जैसे को तैसा, तूने कमीनापन किया ना, मैंने भी कमीनापन किया। तो उसने कहा, खाओ। उसने कहा, भाई मैं तो इसमें कैसे खाऊं, मैं तो, मेरा मुंह थोड़ी ना इसमें जाएगा, और जाएगा भी तो अटक जाएगा। तो भालू ने कहा, बगला भाई कोई बात नहीं ना, तू इसको ऐसे कर ना, थाली में दे दे, क्या फर्क पड़ता है, तो हमारा मेहमान, हमारा दोस्त। उसने कहा, हाँ भालू भाई कोई बात नहीं, खाना तो मैं इसे खिला के भेजूंगा, चाहे इसने मुझे नहीं खिलाया, मैं इसे खिला के भेजूंगा। वो थाली लेकर आया, उसने पूरा का पूरा वैसल जो था, वो जो लंबा सा बर्तन था फूलदान की तरह, वो उसने थाली में ढेल दिया। अब क्या खुशबू, उसने कहा ले ये खा। और खाने लग गया तो कहने लगा, बगला भाई ये थोड़ा सा ना सख्त लग रहा है। उसने कहा, हाँ क्या ना, बुड्ढा खरगोश था, इसलिए मैं उसको लेकर आया था कि उसका जो वो मांस होता है ना, जो मीट होता है ना, वो थोड़ा सख्त होता है। तो खा लिया उसने, लब उसको खा लिया, क्योंकि मसाला जो उसके अंदर डाला था और ग्रेवी जो उसकी थी वो बड़ी टेस्टी थी। अब खाने के बाद ना उसके गले में ना पत्थर, अब वो ये कहने लगा, ये तूने क्या किया, मैंने तो बोला भी नहीं जा रहा। वो कहाँ करके बोलने लग गया। वो कहता, ये तूने क्या किया, तूने मुझे क्या खिला दिया। तो बगला ने कहा, भाई ऐसा है, मैंने तुझको पत्थर खिलाया। उसने कहा, क्या बात करता है, तूने मुझे पत्थर खिला दिए, अब क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा, तू मरेगा नहीं, ये पत्थर धीरे 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 करके घुलेगा। उसने कहा, ये तो बहुत टाइम लगेगा, मैं तब तक क्या करूँगा। उसने कहा, ये तेरी सजा है, तू मुझे वहाँ छोड़कर मेरे बच्चों को खाने आया था। कहता, नहीं 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 नहीं, मैं तेरे बच्चों, कहता नहीं, अगर भालू ना होता तो तू मेरे बच्चों को खा लेता और वापस मेरे पास आ जाता, और मैं तेरे ऊपर शक भी नहीं करता, क्योंकि किसी भी तरीके से तेरे ऊपर शक ही नहीं जाता। तो उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। कहता, नहीं, अब पूरे लोगों को पता लगना चाहिए, जितने भी हम लोग हैं जानवर इस जंगल में, कि तूने कितना कमीनापन किया, क्योंकि भेड़िया है तू, तेरा कपटीपन, तेरा लालच, तेरा ये कहना चाहिए जो घिनौनापन दिमाग में हमेशा रहता है, और दूसरों की चीज़ों पे तू नज़र रखता है, और कभी भी तू किसी से भी सच्ची दोस्ती नहीं करता, इसीलिए लोग तुझे हमेशा भगा देते हैं, पर मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। पर तू अब जा, ये धीरे धीरे घुलेंगे, पानी पी जाके, और बता लोगों को कि तूने मेरे संग क्या कपटीपन किया, इसकी सजा मैंने ये तुझको दी है। तो भालू कहने लगा, भाई ये तो तूने बड़ा अच्छा किया। अब वो रोता बिलखता वहाँ से चला गया। कहता, मैं क्या करूँ, पर तू मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा, माफ़ी तो अब ख़त्म, जो खा लिया सो खा लिया, तू जा यहाँ से, चला गया। भालू कहने लगा कि अब क्या होगा। कहता, फिक्र मत कर, ये ना घुल जाएंगे, मैंने ना वो वाले रेत के पत्थर लिए हैं, तो अब ये पानी वानी पिएगा ना, सब अंदर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए, ये छोटी सी कहानी मैंने इसलिए सुनाई आप लोगों को कि क्या होता है, हमारे साथ भी ज़िंदगी में बहुत ही कमीने, कपटी, चला, कनिंग दोस्त हम लोगों को मिलते हैं, जो कि हम लोगों का हर तरीके से, एक तरीके से ये कह लो कि फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि कई बार हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। और हमें पता है कि ये लोग कमीने हैं, ये हमें धोखा देंगे, पर क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं, हम सच्चे हैं, इसलिए हम उनसे दोस्ती रखते हैं, उनके सब कुछ मतलब इस कमीनेपन को सहते हैं। तो आप लोगों से मेरी बेनती है, जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपका कोई दोस्त इतना कमीना है, इतना कपटी है, तो उससे दोस्ती छोड़ दीजिए। मैंने भी ज़िंदगी में अपनी दोस्ती में बहुत धोखे खाए, और मेरे को पता था कि ये मेरे संग ऐसे कर रहा है, फिर भी मैं उसकी मदद कर रही थी।
बट आप लोग मदद मत कीजिए, क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा धोखा देगा, इसलिए उसको एक मोड़ पर आकर कहना तो छोड़ देना ही बेहतर। तो आप उसको एक मोड़ पर आके छोड़ दीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में सच्चे दोस्तों को लेकर साथ चलिए। सच्चे मित्र आपको हमेशा फ़ायदा उठाएं बताएंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे, पर गलत लोग कभी नहीं, वो आपको हमेशा नुकसान देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी मेरी कहानी पसंद आई हो और मेरा छोटा सा संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जितने भी मेरे नए दोस्त बने हैं जो नई कहानी पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल एम एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे फिर मिलूँगी। ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय।